अ हॉरिजेंटल सर्कुलर लूप कैरीज अ करंट दैट लुक्स क्लॉकवाइज व्हेन व्यू फ्रॉम द अबो। अगर हम यहाँ ऐसे ऊपर से देखें तो जो करंट है दैट करंट इज क्लॉकवाइज। ओके, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो बेसिकली इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो इस वाले एरिया से यहाँ अंदर जा रहा है और इसके पीछे वाली साइड से बाहर निकल रहा है। मतलब अगर मैं देखूं इसको, अगर एक बार मैग्नेट की तरह शो करें तो नॉर्थ एंड साउथ यहां से अंदर घुस रहा है, मतलब ये ऊपर वाला इलाका साउथ है और इसके नीचे वाला इलाका मतलब अंदर की तरफ नॉर्थ है और बाहर की तरफ इसमें साउथ है। ठीक है, क्लॉकवाइज इट इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ साउथ एंड नॉर्थ पोल। ठीक है, द एस एन लाइन शुड बी अलोंग द डायमीटर ऑफ द लूप। एस एन लाइन बेसिकली ऐसी जा रही है जो इस लूप के परपेंडिकुलर है, डायमीटर के अलोंग नहीं है। मतलब पहला ऑप्शन तो यहां पर गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, द लाइन एस एन शुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। बिल्कुल सही बात है, एस एन लाइन यहां पर साउथ यहां पर है ऊपर की तरफ और नॉर्थ प्लेन के पीछे की तरफ होगा, मतलब एस एन लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द साउथ पोल शुड बी बिलो द लूप। साउथ पोल लूप के ऊपर की तरफ है, मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया है। द नॉर्थ पोल शुड बी अबव द लूप। नॉर्थ पोल बिलो द लूप है, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया है। मतलब हमारा जो सही आंसर है दैट शुड बी ऑप्शन बी, हमारा यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए।